नमस्कार, मैं रश्मि, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। जवाहरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलवंडी में वृद्ध महिला के साथ हुई लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी आरोपी दुर्गा लाल उर्फ अक्षय उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार किया है। DSP अंकित जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 सितंबर को तलवंडी में बुजुर्ग महिला के साथ लूट की घटना हुई थी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी रामकिशन के नेतृत्व में 2 विशेष टीमों का गठन किया गया और घटनास्थल के आसपास के करीब 500 CCTV फुटेज खंगाले गए। इसके साथ ही चोरी नगमशनी के पुराने चालान शुदा 40 से 45 पुराने अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी दुर्गा लाल उर्फ अक्षय उर्फ अर्जुन की पहचान हुई। इसके बाद विशेष टीमों ने इसकी तलाश शुरू कर दी और आज इसे झांसी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। तो उनके साथ एक कान के कुंडल उन्होंने पहन रखे थे, सोने के, वृद्ध महिला थी। उन कान कुंडल एक आदमी चुरा के उनसे छीन के ले गया। वो थाने पहुंची उनके पति के साथ, उन्होंने बताया हमारे को, और उनके परिजनों के साथ पहुंची। उन्होंने बताया कि एक जो आदमी है चाकू दिखाकर सुबह मेरे से कान कुंडल छीन के ले गया। SP साहब को ये सूचना मिली तो इस चीज साहब खुद मौके पर उधारे और ये घटना बड़ी सीरियसली साहब ने मौके पर, क्योंकि एक वृद्ध महिला यहाँ पर जवाहरनगर थाना क्षेत्र, बच्चों का दिल, महिला पुरुष सब यहाँ रहते हैं, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। इसके लिए रामकिशन जी को, जैसे जो जवाहरनगर हैं, उनको निर्देशित किया गया इस संदर्भ में कि आप पूरी तरह से टीम लगाएं। रामकिशन जी ने 2 टीम बनाई, एक तो यहाँ पे सब इंस्पेक्टर लग गई कौशल्या और प्रेम सिंह जी के नेतृत्व में 2 टीम बनाई गई। दोनों टीमों को पूरे 54 दिन के आसपास समय लगा, टीमें लगी रही, उन्होंने सभी कैमरे खंगाले, जितने भी रस्ते में कैमरे पड़ते हैं उनको खंगाला गया। चूंकि चोर बहुत बदमाश है और उसके पहले से 21 मुकदमे थे, तो वो बहुत शातिर था और हर बार नए तरीके से चोरी करता था। इस बार भी उसने नए तरीके से चोरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे चूक रह गई और वो कैमरे में पकड़ में आया। और उसके लिए मैडम खुद, CI साहब खुद इसके लगे रहे और कल उन्होंने आज कल पूरी तरह भाग दौड़ी करके आज सुबह इस मुलजिम को पकड़ा और इस मुलजिम को लेके आए। मुलजिम से महिला के कुंडल बरामद किए जा चुके हैं और साथ में उसके साथ और भी चोरी का सामान, जो उसने कई जगह चोरी किया है, वो भी बरामद किया जा चुका है।